सहजन की डंडी, जिसको मोरिंगा भी बोलते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जगह डंठा बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं सोजने डांटा। ये जो कॉमन, बहुत कॉमन एक ऐसा डंडी वाली सब्जी की मटेरियल है, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। हमारे मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं मोरिंगा ओलिफेरा। ये फुल ऑफ मिनरल्स माना जाता है और बहुत सारे बीमारियों में फ़ायदा करता है। तो आज ये सहजन की डंडी जो है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ड्रम स्टिक के बारे में। पहले तो इसमें देखते हैं कैलोरीज कितना है। कैलोरीज बहुत कम है, 100 ग्राम अगर ये इसकी डंठा को लेंगे या ड्रम स्टिक को लेंगे तो इसमें 26 कैलोरी होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, 3.7 ग्राम्स। फाइबर बहुत है, 4.8 ग्राम फाइबर है। तो फाइबर होने से आप समझ लीजिए कब्जियत में फ़ायदा करेगा, कैंसर को रोकेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो फाइबर के हिसाब से बहुत काम का चीज़ है। इसमें फैट एकदम ही नहीं होता, 0.1 ग्राम होता है। प्रोटीन होती है काफ़ी, और सबसे बढ़िया इसमें पोटेशियम का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है, बीटा कैरोटीन जो आँख के लिए फ़ायदा करता है उसका सोर्स है, कैल्शियम की सोर्स है, फॉस्फोरस का सोर्स है, आयरन का सोर्स है। तो ये एक डंठा काफी यूज में, आपको मालूम है डंठा कहाँ पे यूज होता है? सांबर में आप देखेंगे कटे हुए डंठे दिया जाता है और उसको चूस के उसका वो फाइबर फेंक दिया जाता है, अंदर का बीज खा लिया जाता है। और इसकी सब्जी भी बनती है, सूप में भी डाला जा सकता है, आइसक्रीम के कोन्स में इसको यूज किया जाता है, और इसका जो बीज सॉफ्ट पार्ट है उसको हम लोग एज ए सलाद भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। तो एनीवे सबसे कॉमन यूज मैंने देखा सांभर के अंदर इसके डंडिया डाल दिया जाता है और बड़े शौक से साउथ इंडिया में खाया जाता है। तो इसके फायदे देखते हैं। पहले तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत है इसमें, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और कोटसेसिन, ये सारी चीज हम लोग के और क्लोरोजेनिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद करता है, हमारे डिजनरेटिव डिजीज को बंद करता है, हमें यंग रखने में मदद करता है। मोरिंगा में आप ये समझ लीजिए 7 गुना विटामिन सी होती है कॉमन चीज़ों से। और मोरिंगा के जो इंटेक से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत हाई फाइबर होता है, ब्लड प्रेशर लोअरिंग करता है, इसमें पोटेशियम होता है, ब्लड प्रेशर भी लोअरिंग करता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात है सेल्स को, स्किन के सेल्स को डैमेज होने से रोकता है, तो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, इससे क्या होता है ना हमारे बॉडी में कोई सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो, वो सबको भी रोक देता है। और मोरिंगा में स्टोमक की डिसऑर्डर ऑर्डर में भी ड्रमस्टिक यूज़ होती है, जिनको पेट का गड़बड़ होता है उसको ड्रमस्टिक को बॉईल करके उसका बीज खिलाया जाता है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, माइक्रोबियल, मतलब कोई भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने की इसके पास ताकत होता है। और एनीमिया में भी फायदा करता है क्योंकि इसमें आयरन है। तो आप ये समझ लीजिए ये जो ड्रमस्टिंग है, सहजन है, ये बहुत काम की चीज़ है। तो जब भी मौका मिले, बहुत सारे लोग इसको खाते नहीं है, बट जब भी मौका मिले इसको बॉईल करके इसमें नमक डाल के इसको चूस के भी खा सकते हैं। उसकी बीज बहुत काम की चीज़ है और उसमें आपको आँख का भी फायदा हुआ, बोन्स के लिए बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें बहुत कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों होती है, तो हड्डी को मजबूत रखने में सहजन का काफ़ी रोल होता है। तो आप सहजन खाइए और मेरी इस वीडियो को जरूर लोगों से शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ, पेशे से मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ। मैं हार्ट के पेशेंट्स को ये सिखाता हूँ किस तरह से वो खान पीन रहन सहन के थ्रू बिना ऑपरेशन के हार्ट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे करीब 100 सेंटर्स हैं, हम लोग एक बिना तेल का खाने का कुकिंग मेथड भी डेवलप किए हुए हैं, इसको बोलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग, और ये बहुत हेल्दी माना जाता है, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब में इसका फ़ायदा होता है। तो आप जरूर लोगों को इस बात को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।